ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णमासी है। इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। चैत्र पूर्णमासी वाले दिन सुंदर चंद्रमा के दर्शन होंगे। काफी सालों के बाद में बहुत बड़ा महाशुभ योग बन रहा है। चैत्र पूर्णमासी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी इस दिन जो योग बनता है वह महाशुभ योग कहा जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस बार पूर्णमासी पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और लगभग 8 राशियां बहुत ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा जिस घर में होती है वहां पर सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है, भगवान गणेश का वास होता है। साथ ही हर प्रकार की सुख सुविधा उस घर में संपन्नता मौजूद रहती है। रिद्धि सिद्धि का वहां पर वास होता है और स्वयं लक्ष्मीनारायण भगवान वहां पर निवास करते हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं, साथ ही कुछ नैवेद्य चंद्रमा के निमित्त वहां पर छोड़ते हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे खीर का प्रसाद हुआ है या कोई भी प्रसाद हुआ, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां इस दिन बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। सभी राशि वाले इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करें और साथ ही हनुमान जी की पूजा जरूर करें, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस बार चैत्र पूर्णमासी हनुमान जयंती है तो बालाजी महाराज आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।